इधर उड़न खटोले पर लड़ाई है, इधर दो का दम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दमखम। अखिलेश और जयंत एक साथ सामने आए और जाटलैंड में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जयंत चौधरी को बीजेपी से मिले न्योते के बीच दोनों का साथ आना एक बड़ा संदेश दे गया। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने किसानों से ढेरों वायदे किए हैं, बीजेपी के सारे आरोपों का जवाब भी दिया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। जयंत को बीजेपी की ओर से मिले न्योते के बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन की ताकत दिखाई। जाटलैंड में ही आरएलडी के मुखिया के साथ मंच साझा किया और चौधरी चरण सिंह की दुहाई देकर किसानों को सावधान किया। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी और तीन कानून क्यों वापस ले लिए, ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहाँ सावधान करना चाहता हूँ। अखिलेश को पता है कि बीजेपी जाटों के मनुहार में लगी है, अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, ऐसे में कहीं बात बिगड़ ना जाए, लिहाजा अखिलेश ने किसानों से ढेरों वादे किए और उन्हें भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो तीन कानून क्यों लागू किए थे और तीन कानून क्यों वापस ले लिए। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। कल हमारे मुजफ्फरनगर में अखिलेश और जयंत का एक साथ दिखाई देना कई संदेश दे गया। ये साथ जयंत को बीजेपी के न्योते का सबसे बड़ा जवाब भी था। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो सोचो हालात कैसे हैं? देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। वैसे बीजेपी अब भी जयंत पर डोरे डाल रही है। चलिए आप किसी जाट से गांव में पूछे जाके और पूछे किसे मुख्यमंत्री चाहते हो, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, या तो अखिलेश बनेगा, योगी बनेगा भाई, ना तो जयंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना मैं बनूंगा, ना कोई और बनेगा, दो ही तो चेहरे हैं। तो एक बार पूछ लीजिए किसी से भी, लोकदल के से भी पूछ लीजिए, भाई अखिलेश यादव स्वीकार है नहीं, तो उन्होंने कहेगा नहीं भाई वो स्वीकार नहीं। पश्चिमी यूपी की लड़ाई बेहद धारदार हो चली है, एक और बीजेपी के दिग्गज डटे हैं, योगी मेरठ से लेकर हस्तिनापुर तक और बीजेपी के अध्यक्ष शाहजहांपुर में विरोधियों को घेर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन का दम दिखा रहे हैं। योगी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान दिया, 1,40,000। अखिलेश के भी 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिया, यानी वो भी उधार छोड़ करके चले गए थे, 11,000 करोड़ रुपए वो भी दिया और 1,40,000 करोड़ रुपए। कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें, जो जो वादे किए थे क्या वादे पूरे हुए हैं, उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। बीजेपी दनादन आरोप लगा रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी के किसी भी आरोप का जवाब देने में संकोच नहीं कर रहे। अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब अपराधियों को जब सरकारी बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद किया जाता है तो अपराधियों के संरक्षकों के घर में कर्फ्यू लगता है। जनता के लिए कर्फ्यू नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में। मुजफ्फरनगर में अखिलेश से कैराना को लेकर भी सवाल हुए। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे, आज मैं जब राउंड लेने निकला उन्होंने कहा
मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है? वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव को 1 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन वो देर से पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। आज तक ब्यूरो।